आज हम आप सभी को सिंधु सभ्यता के बारे में बताने चले हैं। सिंधु सभ्यता क्या है, इसको पूरे पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा ग्राफ का मेजर में आपको पढ़ाएंगे यहाँ। ठीक है, आइए करवाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के तीन नाम कौन कौन से, एक नाम हड़प्पा है, दूसरा कांस्ययुगीन सभ्यता है, तीसरा क्या आपका ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था और दयाराम सहाने ने किया था। ठीक है, और यह स्थल कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थान पे पाया गया ये स्थान। ठीक है, और साक्ष्य इसके क्या है, लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसको पता कैसे चला है, लिखा गया था और पुरातात्विक साक्ष्य में कुछ वस्तुएं मिली थी उसके अनुसार इसका प्रमाण लगाया गया कि हाँ ये चीज़ें ये सभ्यता थी पहले। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमुख धातुओं से पाई गई कांसा, तांबा, सोना और चांदी, ये प्रमुख धातुएं पाई गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख स्थल की बात करते हैं, कुल कितने स्थल पाए गए। ठीक है, कुल स्थल 1400 है, वर्तमान में कुल स्थल कितने आपके 1401 हैं। ठीक है, और इसी सभ्यता के साथ साथ में क्या हो रही थी, आपके विदेशों में भी कुछ नई सभ्यताओं का विकास हो रहा था। ठीक है, इसलिए अन्य सभ्यता की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम अपने सभ्यता में बात करते हैं, कुल सभ्यता 1400 में देखिए सिंधु में 40 सभ्यता विराजमान है, सिंधु में 40 सभ्यता की खोज किया गया और सिंधु और गंगा नदी के मैदान में 1100 सभ्यता की खोज किया गया और 175 सभ्यता की खोज किया गया सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में खोजा गया। अब यहाँ पे सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में बात आया तो इस सरस्वती के नाम पर क्या रखा गया, इस सभ्यता का नाम रखा गया, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम रखा गया एक, दूसरा रखा गया सरस्वती घाटी सभ्यता रखा गया इसका। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, 1401 स्थल आए जिसमें से भारत में 917 स्थल पाए गए, पाकिस्तान में 481 स्थल पाए गए जबकि अफगानिस्तान में केवल 3 स्थल पाए गए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसी के साथ में क्या हो रहे थे, विदेशों में भी सभ्यताओं का विकास हो रहा था, तो विदेशों में कौन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही है साथ में विकसित हो रही है और मिस्र की सभ्यता साथ में विकसित हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं भारत, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है, रोपड़। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहला कौन सा स्थल खोजा गया, हड़प्पा सभ्यता का रोपड़ स्थल खोजा गया। ठीक है, अब कह रहा है सर्वाधिक स्थल का कहाँ खोजा गया, जब देश महाराजा सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिला, तो गुजरात से मिला है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृत जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है आपके, ये है पुरातात्विक खुदाई, मैंने बताया ना खुदाई किया गया, ये पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, ये गैर आर्य सभ्यता, ये आर्यों की सभ्यता नहीं है, आर्यों की सभ्यता क्या है आपके, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है आपकी, यहाँ पे नगरीय सभ्यता है, ये नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, इसे आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानते हैं। ठीक है, जब हमारा मानव की उत्पत्ति हुई थी तब की सभ्यता के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है इसकी जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे मिली, यहाँ से मोहरे मिली है, कितनी मोहरे मिले, लगभग 3000 से अधिक मोहरे मिली। ठीक है, इससे जानकारी पता चलता है। फिर इसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके उपासक थे, मातृ देवी के उपासक थे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ग्राफ में यहाँ बताने चल रहा हूँ, देखिए हमारी सभ्यता भारत में कहाँ कहाँ पर किन किन स्थानों पर पाई गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या है, चिनाब नदी है, चिनाब नदी बहती है, चिनाब नदी के दाएं तट पर क्या पाया गया, मांडा एक जिला है, ये पड़ता है अखनूर जिले के अंदर, मांडा एक क्षेत्र है, स्थान है, वो अखनूर जिले के अंदर में पड़ता है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया गया, कौन सा जिला पाया गया आपका, मांडा, मांडा नामक स्थान पाया गया कहाँ पे, अब ये मत समझ लेने का यूपी का मांडा, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर का मांडा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पूरब में कौन सा आपका, यूपी में आते हैं, यूपी में क्या आता है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर पाया गया। ठीक है, मेरठ जिले में पाया गया आलमगीरपुर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दक्षिण में बात करते हैं आपका, तो महाराष्ट्र में परवरा नदी के बाएं तट पर पाया गया। ठीक है, क्या, दैमाबाद। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया दैमाबाद से। ठीक है, ये अहमदनगर जिले में पड़ता है दैमाबाद।
नामक स्थान। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक नदी बहती है दशक नदी। ठीक है, वहाँ पे सुकांगडोर पाया गया। ये सुकांगडोर कहाँ पाया गया? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाया गया। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो सभ्यता है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लंबाई। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर लंबी है ये। सॉरी, इसकी चौड़ाई कितना है? 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आती है 1600 किलोमीटर चौड़ी है, और लंबाई कितना है इसकी? 1400 किलोमीटर लंबी है। उत्तर से दक्षिण किसकी लंबाई चल रही है? ठीक है, 1400 किलोमीटर की लंबी है। इस प्रकार से क्या होता है, सिंधु सभ्यता की शुरुआत होती है। ठीक है,